आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। मई का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, कल 3 बजे तक पूरा मई कवर करवा देंगे और परसों से आपका मैथ दोपहर के 3 बजे वाला, जीके रात को 10 बजे वाला, रीजनिंग, ये सारा क्लास चलेगा। और कल 3 बजे तक ना 22 का पूरा पीडीएफ जनवरी से मई तक का भी अपडेट कर देंगे पूरा, प्लस 21 का जनवरी से दिसंबर तक का भी पीडीएफ अपडेट कर देंगे। आप सिर्फ अपने आप को जज करते चलो कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है। मान लो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, L&T इंफोटेक ने, ये जो कंपनी है ना, उसने भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी के साथ विलय करने का घोषणा कर दिया है। तो किस कंपनी का विलय होने जा रहा है, इस कंपनी का, माइंडट्री, एकदम याद रखिएगा। यानी ये कंपनी जो है दोनों का विलय होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, टीवीएस मोटर, बहुत बार देखे होंगे दो चक्का गाड़ी, टीवीएस मोटर जो कंपनी है उसका प्रबंध निदेशक बनाया गया है सुदर्शन बेनू, ऑप्शन नंबर ए। अगर एग्जाम में पूछे टीवीएस कंपनी का प्रबंध निदेशक कौन है, सुदर्शन वेनू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा, ये याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जो है वो पदभार ग्रहण किया है, एकदम याद रखिएगा आप सभी, संजीव कपूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव, यानी इस मंत्रालय में सचिव का पद किसे दिया गया है, कौन है ये, अल्केश कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व एथलीट्स दिवस हर साल 7 मई को मनाते हैं, ठीक है, ये डेट याद रखना, ये डेट भी याद रखना आप सभी, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं। देखो ये डेट एथलीट्स वाला, ये वाला, याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन करवाना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ना एकदम याद रखना है। ना जाने कितना बार SSC रेलवे बैंक के एग्जाम में ये डेट पूछा गया है, रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा, और इसका विषय भी याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार का विषय क्या दिया गया है, बी ह्यूमन काइंड, विषय है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का जो 8 मई को हर साल मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मुख्यमंत्री मुक्त शिविर योजना कनेक्शन जारी करने वाला राज्य कौन सा है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सिक्किम राज्य और पूर्वी नेपाल की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एग्जाम के लिए, प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिगजुमार के साथ रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर्वत को फतह किया, 26वीं बार चढ़े हैं, और याद रखिएगा नेपाल के हैं, नाम क्या है इनका, कामी रीता, ये कहां की हैं तो याद रखिएगा नेपाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारत की वो सबसे बड़ी कंपनी कौन से है जिसने 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व जो है वो दर्ज किया है, 100 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व दर्ज करने वाली भारत की कौन कंपनी बन चुकी है, रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और CEO कौन बनेगा, बताओ, नया CEO और प्रबंध निदेशक HPCL, बड़ी कंपनी है, याद रखिएगा कौन बना है अभी, तो पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हालांकि अभी जितना भी Formula 1 कार रेसिंग गेम हो रहा है ना, अभी जनवरी से देखा जाए ऑलमोस्ट 99% खेल में ना, इस खेल में यही जीत रहे हैं अभी तक, मैं देख पा रहा हूं, क्या नाम है, मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और एक बात याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हर बार एग्जाम में बनता है। लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को गया है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बोला हूं, करवा चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के, अच्छा ये है, किस देश के कार्लोस अल्काराज ने मैड्रिड ओपन 22 में पुरुष खिताब जीता है, बहुत बड़ा प्लेयर, आई थिंक स्पेन के रहने वाले हैं ना, स्पेन का तीन चार खिलाड़ी बहुत बड़ा है यार टेनिस के क्षेत्र में, एक तो राफेल नडाल हो गया, एक की कार्लोस हो गए, और कौन है, जैमुआर हो गए, डेविड गॉफिन हो गया, ये सब बहुत बड़े प्लेयर है आने वाले दिन में, उसके बाद से अल्मोस हो गया। स्पेन टेनिस में अगर देखा जाए ना कि टेनिस में सब तुती किस देश का बोलता है, स्पेन का, बड़ा बड़ा नाम वहीं से। आप बोलेंगे भैया जोकोविक सर्बिया, हाँ सर्बिया भी, चेक रिपब्लिक भी, लेकिन स्पेन से बहुत उभरते खिलाड़ी आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, क्वेश्चन बनेगा फ्रेंच ओपन से, आपको पता होगा कल हार गए, किसने हराया इनको, अलेक्जेंडर जेवरेव ने, ये इनका विश्व रैंक 6 है, इनका विश्व रैंक 3 है, लेकिन फिर भी मैच में सबसे ज्यादा पल्ला भारी किसका था, इनका, लेकिन कल ये हार गए। ये कहां के रहने वाले, स्पेन के, ठीक है। जोकोविक भी हार गए, मतलब जोकोविक मतलब टेनिस का नंबर वन प्लेयर नोवाक जोकोविक भी हार गए हैं फ्रेंच ओपन, राफेल नडाल ने उनको हरा दिया है। राफेल नडाल और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच सेमीफाइनल होने वाला है, याद रखिए, मैं करवा दूंगा पूरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विमान विज्ञान विभाग ने दक्षिण अंडमान सागर, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये, अच्छा अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। अभी एक महीना के पहले चक्रवात आने वाला था, एक असनी, बंगाल उड़ीसा के तट पर बहुत तेज हवा भी बह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है ये असनी जो नाम दिया गया था चक्रवात का, ये किस देश के द्वारा सुझाया गया था, श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य के पोमोई में बसे हुए क्षेत्र को नशा मुक्त घोषित कर दिया गया है, ये किस राज्य का पोमोई शहर है, जगह है, जहां के लोग नशा मुक्त हो चुके हैं, याद रखिएगा, कहां का, मणिपुर का, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा संस्करण स्टार्ट किया गया है, पहला ये लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया गया था 2007 में, ठीक है, ताकि वहां की बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इसका दूसरा संस्करण स्टार्ट किया गया, ये किस राज्य का योजना है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रोड्रिगो चैवेस को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, कोस्टरिका का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जॉन ली काच्यू कहां के अगले मुख्य कार्यकारी होंगे, तो ये होंगे हांगकांग का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कोविड की छवियों के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी पुलटीचर का नाम आता है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिक। जो कोरोना काल था उस समय बाहर निकलकर जो पत्रकारिता किए थे ना, उन सब के लिए अच्छे अच्छे फोटो क्लिक किए थे, उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, इनको सबको दिया गया है, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबिदी, सना इरशाद महतो और अमित दावे, सबको ये पुरस्कार दिया गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उस भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने स्पेन के पुंटा प्राइमा में पहला खिताब जीता है, ये टूर्नामेंट जीता किसने, तो डी जुगेश, नाम याद रखिएगा, बहुत सारे टूर्नामेंट जीत रहे हैं, या तो डू जुगेश या आर प्रगनानंद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे कोविड 19 महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश पुरस्कार 22 का मानद सदस्य ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मंत्र प्राप्त की गई है, किसको ये दिया गया है टैग, बताओ क्या नाम है इनका, गुरु स्वामी कृष्णामूर्ति, ऑप्शन, ये क्वेश्चन को डालना इंपॉर्टेंट में आप सभी, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसा, और आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन तो कहीं पढ़े ही नहीं है, हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये सब क्वेश्चन को आप सभी इंपॉर्टेंट में डालना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर, मार्सल्ट कॉन्ट्रे इंक्वेट, ये एक पुस्तक है,
जिसका बंगाली में अनुवाद किया गया है, ठीक है। इसके लिए ना फ्रांस का जो नॉवेल है, ये कहां का नॉवेल है, ये कहां का उपन्यास है, तो पहला लिखा ही गया है यहां पर, तो ये फ्रांस से, हाँ ये तो लिखा ही गया है, ये फ्रांस का नॉवेल है, ठीक है। इसको पांचवा रोमन रोलैंड बुक प्राइज फ्रांसीसी में उपन्यास है, ठीक है, अवार्ड दिया गया है इसकी किताब के लिए, और इसको बंगाली में जो है वो ट्रांसलेट किया है। ये पुस्तक किसने लिखा है, कैमल डाउट के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अयोध्या में एक प्रमुख सड़क है, चौराहा है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, क्वेश्चन पूछेगा हाल फिलहाल में, लता दी के नाम पर, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, योन सुक योन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फिलीपींस के मैनिला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022 से 2024 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, भारत को, ऑप्शन नंबर सी, एकदम याद रखिएगा और इसको इंपॉर्टेंट में डालिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास से बना हुआ जो पुल होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास से बना हुआ पुल कहां पर खोला गया है, दुनिया का, वियतनाम में, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसने अमेरिका के सेंट जुआन में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13:25.65 के समय के साथ एक नया राष्ट्र रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 5000 मीटर में बहादुर प्रसाद का 300 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो 5000 मीटर का रेस पूरा किए हैं ना, 13 घंटा नहीं है वो 13:25 राष्ट्र चलता है ना, वो 65 के अंदर 5000 मीटर रेस पूरा किए हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये रिकॉर्ड तोड़ा किसका, बहादुर प्रसाद का, क्या नाम है इनका, अविनाश सालवे। ये कहां के रहने वाले हैं, इंडिया के, ये महाराष्ट्र के, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, भारत का रिकॉर्ड है, ठीक है। अगला, वरना कमेंट में बोलेंगे भैया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तो नहीं है, पहले बोल दिए हैं। अगला क्वेश्चन, एक किताब है, किताब का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस। ये किताब का उद्घाटन जिस द्वारा किया गया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। किताब लिखा कौन है, प्रकाश सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस हर साल क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा, 11 मई को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, 10 एकड़ तक, अगर किसी का 10 एकड़ तक जमीन है, मान लो 5 एकड़ तक जमीन है ना, तो आपको 50,000 रुपए दिया जाएगा पर एकड़ पर 10,000 रुपए, ताकि अगर आपका गाय वगैरह है ना, उसको चारा वगैरह जो है कमी ना हो। और ये किस योजना के तहत हो रहा है, चारा विजय योजना के तहत, नाम भी याद रखिएगा, चारा विजय योजना के तहत 10 एकड़ तक किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे सालाना। कौन बोला है, हरियाणा राज्य सरकार, ये मासिक नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला जैविक कचड़े से संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन, कचरा से ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, कहां पर, मुंबई के, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन, नारायण राणे ने पहला, भारत का पहला खादी के लिए, भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र, खादी मतलब जो कपड़ा नहीं पहनते खादी वगैरह का, वही कहां पर खोला, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे कीमत जो मूल्यांकन कंपनी कौन था, एप्पल को पछाड़ दिया है। अच्छा, इस धरती का सबसे बड़ा कंपनी कौन है, आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं, एप्पल नहीं, ज़ियोमी सैमसंग नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कंपनी है ना वो एप्पल था, लेकिन अब एप्पल को पीछे छोड़कर ना सऊदी अरब को ये कंपनी जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है इस धरती का।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नाम है, कैंबल विल्सन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर नया चुनाव एक कौन है, राजीव कुमार, पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लुईस वीटन, ये कपड़े की कंपनी है, फैशन की कंपनी है, इसका पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने उस आर्किटेक्ट का नाम बताना है जिसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल द्वारा बाय सम्मानित किया गया है, बाला कृष्णा दोषी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लीमा सोल में साइप्रस अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स बैठक 2022 में महिलाओं की 100 मीटर वाधा दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ज्योति यार राजी ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने हर साल पूछता है अंतरराष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को मनाते हैं, तो ये था आपका 6 से 10 तारीख का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, कल 3 बजे तक पूरा मई खत्म कर देंगे, ठीक है, आज रात को जग कर सोना भी ना पड़े ताकि परसों से करंट अफेयर नेक टू नेक हम लोग कवर कर लें, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा आप सभी, थैंक यू एवरीवन।